जैसा कि हम जानते हैं कि एयरप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है तो ऐसे में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सांस कैसे लेते हैं तो दोस्तों जो बाहर की हवा होती है उससे प्लेन का इंजन खींचता है और कुछ हवा कम्बशन के लिए जाती है और कुछ हवा प्लेन के अंदर भेज दी जाती है वो भी कंप्रेस्ड फिल्टर जैसी प्रोसेस से गुजरने के बाद ताकि वो हवा सांस लेने लायक बन सके और प्लेन के अंदर सही तरीके से एयर प्रेशराइज़ भी किया जाता है क्योंकि ज़मीन पर हम जैसे रहते हैं तो वहाँ एयर प्रेशर यानी कि हवा का दबाव और ऑक्सीजन सही होता है और ऐसा वातावरण सांस सांस लेने लायक होता है लेकिन जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर और साथ में ऑक्सीजन भी कम होने लगता है इसलिए प्लेन के अंदर एयर प्रेशराइज करते हैं ताकि प्लेन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब ठीक से सांस ले सके और अगर कभी प्लेन के प्रेशराइज सिस्टम में कुछ खराबी हो जाए तो ऐसे में इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क मदद करता है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए